बिहार राज्य बड़ी तेजी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अब जल्द ही राज्य सरकार सोने के साथ साथ क्रोमियम पोटेशियम के खनिज ब्लॉकों का खनन शुरू करने वाली है, जिसकी जानकारी खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने दी है। मंत्री ने कहा है कि नवादा, जमुई, औरंगाबाद सहित कई जिलों में बड़े पैमाने पर निकेल, क्रोमियम, पोटास और सोना के भंडार मिले हैं, जिसका खनन शीघ्र ही शुरू होने वाला है। एक ब्लॉक क्रोमियम निकल सहित 3 ब्लॉक पोटास का पाया गया है। वहीं जमुई के सोनो प्रखंड में सोना और औरंगाबाद में क्रोमियम के भंडार मिले हैं। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बिहार राज्य को खनिज ब्लॉक सौंपे हैं। ये खान क्रोमियम और पोटेशियम का है। आपको बता दें कि यह खान सासाराम, रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले में स्थित है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम को खनिज सर्वे के कागजात सौंपे थे। तब केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को अलग अलग खनिजों के 100 ब्लॉक सौंपकर उनसे आग्रह किया था कि जल्द से जल्द इसकी नीलामी कराएं। जनक राम ने कहा है कि बिहार को 4 ब्लॉक दिए गए हैं, जिसमें 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के हैं, जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर की टीपा खनिज ब्लॉक सासाराम रोहतास में, 10 वर्ग किलोमीटर का नडवा डी ब्लॉक और शाहपुर में 7 वर्ग किलोमीटर का ब्लॉक शामिल है। ये तीनों ही पोटेशियम के ब्लॉक हैं। इसके अलावे औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं, ये 8 वर्ग किलोमीटर का है। क्रोमियम का इस्तेमाल एविएशन और मोबाइल में होता है, जिसका सीधा लाभ बिहार को होगा। मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार इन ब्लॉक से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। मार्च में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के बाद यह पहला मौका है जब शुरुआती सर्वेक्षण स्तर पर खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए अनुमति दी गई। अभी तक खनन सर्वेक्षण के 4 स्तरों में से G4 स्तर का सर्वेक्षण सिर्फ सरकारी एजेंसियां या फिर PSU द्वारा ही किया जा सकता था। आपको बता दूं कि क्रोमियम सिल्वर सफ़ेद रंग की धातु होती है, जिसमें हल्के नीले रंग की झलक होती है। यह कठोर और जंक रोधी है, जिसका इस्तेमाल स्टील को कठोर करने, ब्लॉक वेरिंग, स्टेनलेस स्टील बनाने, तिजोरी, कवच, कटिंग टूल्स आदि में होता है। इसका प्रयोग एविएशन और मोबाइल निर्माण में भी किया जाता है।